आज राजस्थान के करौली जिले में आए हुए थे और देख सकते हैं कि राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, इसके बाद भी हमारे किसान भाई ने कितनी मेहनत करके, कितना तप करके और यहाँ पर उन्होंने खीरा पैदा किया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मी के महीने में यदि हम खीरे का सेवन करते हैं तो हमें लू भी नहीं लगती, साथ में हमारे शरीर के अंदर ठंडक पैदा करता है। खीरे का बीज भी हम लोग इसका ठंडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में अक्सर शरबत इत्यादि में हम खीरे का बीज का सेवन करते हैं। और आज मैं यहाँ के इलाके में घूम रहा था, काफ़ी मात्रा में यहाँ सब्जी भी पैदा होती है और थोड़ा सा पास से दिखाना पड़ता जी, कितने सुंदर सुंदर खीरे देखो लगे हुए हैं। और मैं तो पूरे देशवासियों से यही अनुरोध करता हूँ कि आज हम अलग अलग कोल्डिन, कोको कोला, पेप्सी इत्यादि पीते हैं, उसकी जगह यदि हम खीरा, ककड़ी, करेला का यदि हम रस लेते हैं वो हमें ज़्यादा फायदा करता है। जिनको डायबिटीज हो जाता है वह यदि रोजाना टमाटर, खीरा और करेले का यदि रस निकाल के रोजाना वो सेवन करते हैं तो डायबिटीज से, शुगर से उसे छुटकारा मिल जाता है। मंडूक आसन भी कर सकते हैं, साथ में पतंजलि की आयुर्वेदिक मधुनाशिनी दवा आती है उसका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन नियमित रूप से हमें करेले का यदि सेवन, करेले और अपना खीरा और साथ में खीरे के साथ साथ टमाटर, ये तीन चीजों का रस बहुत ज्यादा फायदा करता है। तरबूज भी बहुत फायदा करता है। तो इसके लिए सभी एक बार दिखाइएगा इस पूरे बगीचे को, कितना सुंदर बगीचा है। आज हम लौकी का, करेले का कई बगीचों में भ्रमण किया और बहुत सुंदर ये खीरा हुआ। इसके विषय में बाबूजी भी थोड़ा बताएंगे कि इसमें कैसे इसका रोपण करते हैं, कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। आज हम अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं, इसके लिए हमें सभी देशवासियों का इसका सेवन करना चाहिए। बाबू जी आपका क्या नाम है? बब्बू है साहब। आप रहने वाले कहाँ से हैं? जिला बरेली, फरीदपुर तहसील पड़ती है ये बरेली, अपनी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बाबू जी यहाँ पर बताइए कि खीरा पैदा करने के लिए कितने वर्षों से आप यहाँ पैदा कर रहे हैं? मुझे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। आप सीजन में आते हैं कि 12 महीने यहाँ रहते हैं? दिवाली पर आते हैं। दिवाली में बाबू जी आते हैं, फिर यहाँ पर किसानों से भूमि लेते हैं किराया पर और इसके बाद उस पर मेहनत करके बीज रोपण करके फिर पैदा करते हैं और इसके बाद ये करेला आगरा और दिल्ली के लिए पहुँचता है। हम कितनी अच्छी बिल्डिंगें बना लें, कितने अच्छे भी भवन बना लें, कितनी अच्छी मिसाइलें बना लें, लेकिन हमारे जीवन कैसा होगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, ये तो हमारे किसान भाइयों पर ही निर्भर है, क्योंकि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। तो इसके लिए सभी देशवासियों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक इस ठंड गर्मी के महीने में, अभी 2-4 महीने गर्मी के चलेंगे, तो इस गर्मी के महीने में करेले का और अलग अलग चीज़ों का यदि हम सेवन करते हैं, सबसे ज़्यादा हम खीरा, करेल खीरा के बाद अपनी ककड़ी, साथ में तरबूज, खरबूज, इन चीज़ों का सेवन करें। इनमें भारी मात्रा में पानी भी पाया जाता है, साथ में हमारे शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्य लाभ है। एक बार भ्राता जी इनको दिखाइएगा, कितनी अच्छा बगीचा, कितना सुंदर हरा भरा, इस राजस्थान में जिसको मरुस्थली की धरती कहा जाता है, सूखा एरिया कहा जाता है, जहाँ ज़्यादातर धूल उड़ती है, जहाँ रेत उड़ती है, इसके बावजूद भी बाबूजी ने बड़ा परिश्रम करके यहाँ पर बहुत सुंदर बगीचा लगाया है। सभी को ओम शांति।